दर्शन न्यूज। सारण जिला जदयू के महासचिव निरंजन सिंह ने सारण जिला के सभी प्रखंडों में दाखिल खारिज के नाम पर दलाली का पर्दाफाश किया है। उन्होंने पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दलालों के माध्यम से कार्यालयों में बैठे बाबू लोग दाखिल खारिज के लिए 2,000 से 3,000 रुपए अवैध वसूली करते हैं, जिससे गरीब तबके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व बिहार सरकार के अन्य पदाधिकारियों व सारण जिला समाहर्ता से उन्होंने उचित कार्रवाई करने का मांग किया है। उक्त मौके पर रंजीत यादव, रक्की कुमार सिंह, रंजीत कुमार सिंह, फिंटू शर्मा, अमित यादव इत्यादि दर्जनों लोग मौजूद थे। सारण से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। निरंजन सिंह, जिला महासचिव। समस्या क्या है? समस्या है कि सारण जिला के 200 प्रखंड में प्रखंडों में जो दाखिल खारिज है, 200 प्रखंडों में पेंडिंग है। हर ब्लॉक में दलालों द्वारा अधिकारियों को से 2000 रुपये का मांग किया जाता है। हम सारण के डीएम, बिहार के सारण के कमिश्नर और सारण के बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार से मांग करते हैं कि इस पर विचार कर एक कमेटी, राज्य कमेटी बनाकर इस मामले की जांच कराएं। जितने दाखिल खारिज पेंडिंग है, इसमें 90% गरीबों का दाखिल खारिज है। गरीबों का शोषण सारण जिला के 200 प्रखंड में हो रहा है।